हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज डीजीआर। आज जो है फिर से एक नया चैप्टर लेके आया हूँ मैं आज के क्लास के अंदर। तो चैप्टर का नाम क्या है सर? बोल तो डेफिनाइट इंटीग्रल है, या फिर आप लोग हिंदी में चाहे तो देख लो इसका नाम क्या है, बोलते हैं निश्चित समाकलन। ओके, इस चैप्टर के अंदर जो है फिर से तो है जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसे कवर कर लेंगे अपन। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर कल तो अपन इंडेफिनाइट इंटीग्रल बोल के बोल रहे थे सर। सही है, तो मैं बोलने का पे क्या बोल रहे थे, इंडेफिनाइट इंटीग्रल के ऊपर दो क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। अपनों को जो है सर एग्जाम का टाइम नजीक आ रहा है, आप लोग को मालूम है, तो टोटल टॉपिक कवर करना है। ऐसे तो 3 to 4 to 5 क्लासेस एक एक टॉपिक के ऊपर बोलते जाएंगे तो बहुत ही देर लगेगा। इंटीग्रेशन बोलते इंडेफिनाइट डेफिनेट टोटल एक ही चैप्टर है। ओके, तो उसलिए यहाँ पे ज्यादा देर लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, बोलता हूँ एक ही टॉपिक के ऊपर दो दो क्लासेस बनाऊंगा। तो रिमेनिंग जो है और भी तुम्हारे को डेवलप, तो क्या बोलते हैं सर, और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कई क्वेश्चंस हमारे को चाहिए बोल के आप लोग बोल रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, बोलता हूँ उसे कम्युनिटी टैब के अंदर उसका जो वीडियो का जो लिंक आप लोगों को दे रहा हूँ वो वीडियो आप लोग वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके अंदर और कई एक्स्ट्रा वो टॉपिक रिलेटेड डेटा रहेगा। ओके, तो दो क्लासेज इंटीग्रेशन के कम्प्लीट हो गए, उसका जो रिलेटेड जो वीडियो है मैं यहाँ पे आप लोग कम्युनिटी टैब के अंदर रख दिया। ओके, तो चलिए आप लोग ये जो क्वेश्चन जो है मतलब इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर जो है क्वेश्चन कैसे रहते हैं वो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे कई फॉर्मुलास में लिख दिया। तो ये बेसिकल फॉर्मुलास है जो आप लोग यूज होते हैं, तो पहले आप लोग बेसिकल फॉर्मुलास को मालूम कर लेंगे। फर्स्ट फॉर्मुला था इंटीग्रेशन ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स याद रख लो, इंटीग्रेशन ए टू ए बोल रहा है, वो तो लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, ये क्या है अपर लिमिट है सर। लोअर लिमिट अपर लिमिट जब भी इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो आ सकता है। ओके, तो ये याद रख लो आप लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स जो था लोअर लिमिट क्या था, ये एंड अपर लिमिट क्या है सर, अपर लिमिट क्या है मुझे तो दी है। तो जब लोअर एंड अपर लिमिट यहाँ पे है तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया प्लेसेस, एक दूसरे के प्लेस में बिठा दिया, देते कि जहाँ पे क्या होता है सर, बोलता हूँ माइनस आता है, याद रख लो। ओके, नेक्स्ट इसके बाद ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स था, तो यहाँ पे देख लो, सपोज मैं एक इंटरवल था ए टू बी अपना, इसके बीच में और एक वैल्यू ले लिया सी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलते इंटरवल को वो सी के प्लेस में क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, दो भाग कर दे रहा है उससे। कहते कि अपन कैसे लेना होता है उसको, ए टू सी बोल के एक लेना चाहिए, नेक्स्ट सी टू बी बोल के लेना चाहिए, ये सेपरेटली इंटीग्रल करना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बोलते हैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन माइनस ए टू, ये तो जब भी लेंगे आप लोग एफ ऑफ एक्स डी एक्स था, तो यहाँ पे देखो दो फॉर्मूला अपनों को अराइज होते हैं। तो कौन से दो फॉर्मूला है, बोलते एक आ रहा है 2 × ∫0 to a f(x)dx आ सकता है सर। ये फॉर्मूला कब हो सकता है, हम कब अप्लाई करना है सर, ये हर एक में को डाउट रहेगा। तो यहाँ पे क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, जब भी यहाँ पे जो फंक्शन है, इधर लिख रहा हूँ देखो, ये फंक्शन जो है यहाँ पे इवन फंक्शन बनता है। फंक्शन क्या होना चाहिए, इवन फंक्शन होना चाहिए। इवन फंक्शन का मतलब क्या है सर, बोलते यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स के जगह पे माइनस लगा दो, एक्स के जगह पे माइनस एक्स ले लो, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल क्या होना चाहिए, बोलते एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। ओके, तो एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो सपोज मेरे पास था फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स था। ओके, साइन स्क्वायर एक्स था, ये फंक्शन इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन है कि नहीं बता रहा हूं मैं। तो एक्स के जगह पे क्या लगा था, माइनस एक्स, इधर भी माइनस एक्स। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है सर, बोलते साइन ऑफ माइनस एक्स, बोलते माइनस साइन एक्स है लेकिन ऊपर कौन है, इवन नंबर टू है, बोलते क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर हो गया एक्स, साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, बोलते फिर से कौन था वो, एफ ऑफ एक्स। समझ में आया नहीं है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। ओके, जब क्या बोल सकते फंक्शन इवन फंक्शन था, तो आप लोग क्या लिख सकते सर, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स था, 2 × ∫0 to a क्या लिख सकते आप लोग, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे ये वैल्यू जीरो भी कब बन सकता है सर, वैल्यू जीरो कब बन रहा है सर, बोलते यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ऑड फंक्शन होना चाहिए। ऑड फंक्शन बोलते देखो, सपोज मेरे पास का फंक्शन जो है यहाँ पे साइन एक्स था, बोलिए जब एक्स ए पे माइनस एक्स लगाओ तो साइन ऑफ माइनस एक्स हो गया। मैं बोला इधर टू था, बोलते ये पॉजिटिव आता लेकिन ये डेफिनेटली क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो माइनस लगा दो साइन एक्स, बोलते क्या बोला तुम्हें, एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो रहा है, एफ ऑफ माइनस सिक्स इज इक्वल क्या आना चाहिए, माइनस एफ ऑफ एक्स आया, तो फंक्शन क्या हो सकता है, ऑड फंक्शन होता है। जब भी एफ ऑफ माइनस सिक्स इज इक्वल क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स हो, तो फंक्शन क्या हो रहा है, इवन फंक्शन हो रहा है। जो
डीएसओ फंक्शन जब ऑड फंक्शन बनता है, डीएसओ फंक्शन ऑड फंक्शन बनता है तो आंसर क्या होना चाहिए, डायरेक्टली लिख दो जीरो हो सकता है। ओके, इसके ऊपर अपन कई क्वेश्चन अपन देखेंगे। चलिए अभी क्वेश्चन देखेंगे वन बाय वन। तो आप लोग सुनो, पहले के क्वेश्चन सिंपल भी आते होंगे, बाद में से थोड़ा सा लेवल बढ़ता होगा। आप लोग मत सोचिए कि सर बहुत सिंपली क्वेश्चन दे रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ बोलता हूँ, कई मेटल में से निकल के जो भी है एयरफोर्स नेवी के मेटल में से निकल के ही टोटल क्वेश्चन कवर होना है मॉडल्स उसके, बल्कि सोच रहा हूँ थोड़े सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, हर स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, हर एक का लेवल ऐसा नहीं रहता। तो इंटीग्रेशन हमें दिया है 0 to 2 dx by x² + 4 दिया था। ओके, तो यहाँ पे क्या करो सर बोलता हूँ आप लोग, इंटीग्रेशन 0 to 2 ये बेसिकल क्वेश्चन है जो स्टार्ट हुआ था डेफिनेट इंटीग्रल की, ये दिया हमें भी x² + यहाँ पे 2 को कैसे लिख लो बोलते हो, 4 को कैसे लिख लो तो 2² लिख लो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख रहा है बोलते हो, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल अपन कर रहे हैं सर, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है उसके फॉर्मूला से यहाँ पे यूज होते हैं। आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो, इंटीग्रेशन ऑफ ये छोड़ दो, ये क्लोज कर दिया, क्या दिख रहा है इनडेफिनेट इंटीग्रल ही है। ओके, जो फर्स्ट पार्ट मैं बोला था इंटीग्रेशन में दो पार्ट रहते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट है, तो ये क्लोज करो। अभी दिख रहा है ना इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x² + a² फॉर्मूला क्या होता है, 1 by a, ये बोले तो कौन था 2, tan inverse x पे क्या हो रहा है ये, ये बोलते क्या होता है 2। ओके, तो इसका लिमिट देख लो, अभी लिमिट लगा दो 0 to 2 होते हैं, अभी 0 to 2 ले लो, कुछ कंफ्यूजन इसमें नहीं है। नेक्स्ट 1 by 2 यहाँ पे देखो, अपर लिमिट पर सब्स्टिट्यूट कर लो, tan inverse ऑफ 2 by 2 माइनस tan inverse ऑफ, यहाँ पे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लो x के पे, 0 by 2 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद 1 by 2 ये पार्ट कैंसिल कर लो, आप लोग 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट tan inverse ऑफ 1 माइनस tan inverse ऑफ ये तो 0 by 2 तो 0 हो गया। तो आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मालूम होगा, tan inverse ऑफ 1 बोलते tan के अंदर कितना होता 5/4 45 degrees, माइनस tan inverse ऑफ 0 बोलते क्या होता है tan 0 degrees हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद 1 by 2 ये tan inverse ऑफ tan theta, फॉर्मूला मालूम होगा नहीं तो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये देखो tan inverse ऑफ tan theta बोले तो क्या हो जाएगा सर, theta आ जाएगा। ओके, तो इधर theta के प्लेस में कौन है चेक कर लो यहाँ पे, 5/4 है, तो आंसर अपना इधर क्या रहा है 5/4। नेक्स्ट इधर कौन सा है 0 है, माइनस 0 लगा दो, तो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ सर 2 into 2 = 4 बोल दो, 5 में कितना आता है 8 आ सकता है। आप लोग भी आंसर कर रहे हो तो प्लीज एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपका आंसर करेक्ट है या ना। ओके, 5/8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं मैं बोर्ड के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 5/6 टू 5/4 dx / यहां पे देखो sin x * cos x था, तो स्टूडेंट्स आप लोग 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, 2 से क्या कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं सर। सर आप लोग डाउट आता होगा कि क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एक फार्मूला है sin 2a = 2 sin a cos a, जब भी दिख रहा है sin x * cos x तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, 2 * इंटीग्रेशन 5/6 टू 5/4 dx / 2 sin x cos x हो गया सर sin 2x। ओके, 1/sin कितना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में मुझे बताओ, 1/sin कितना हो रहा है cosecant हो रहा है, सही है cosecant 2x। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosecant कितना था, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x कितना था याद रखो, अभी लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ जब भी cosecant x रहता था अपनों के इंटीग्रेशन के अंदर तो क्या लिखते थे अपन मालूम, log mod tan x by 2 लिखते थे सर, मालूम होगा tan x by 2 लिखते थे, ये कैसा आता है तो एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x का फॉर्मूला था log mod cosecant x - cot x था, उसमें से cosec को 1/sin लिख लो, सिंपलीफाई कर लो tan x by 2 आएगा। तो ये यहां पे देख लो इधर x है सर, इधर क्या है बोलता हूं x है, तो यहां पे क्या लिख रहे हो आप लोग x by 2, तो इधर कौन है 2x है, तो आप लोग क्या लिखना चाहिए अभी log mod, यहां पे क्या लिख रहा हूं सर बोलता हूं tan 2x था, तो इसमें आप लिख लो x में आप कौन है x by 2, तो 2x में आप कौन है x है, 2x by 2 कितना हो गया x हो गया। तो इसके बाद अपना आंसर कंप्लीट नहीं हुआ सर, तो लिमिट तो लिख रहा हूं, गड़बड़ मत करो लिमिट लिख दूंगा, लेकिन आंसर कंप्लीट नहीं हुआ क्यों बोल रहा हूं बोलते हो, x a पे कौन है
2x है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x करें x कंसीडर करके, लेकिन 2x था इसका डेरिवेटिव होगा 2, तो उसे इंटीग्रेशन के अंदर बाय 2 लिखना चाहिए, तो 2 2 क्या हो गया कैंसिल। ओके नेक्स्ट इसके बाद ले लो यहां पे log ऑफ अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लो tan pi / 4, लोअर लिमिट कर लो ये कंप्लीट हो गया ना, माइनस log ऑफ लोअर लिमिट कर लो tan pi / 6। ओके नेक्स्ट यहां पे देखो स्टूडेंट्स, log ऑफ tan 45 कितना होगा 1, नेक्स्ट tan 30 कितना होता है 1/√3 सर, tan log 1 कितना होता है वैसे 0 आपको मालूम, माइनस log ऑफ 1/√3 जब भी है इसे आप लोग ऐसे लिख लो √3 पावर में माइनस 1। लॉगरिथमिक के अंदर प्रॉपर्टी है log a पावर m, log a पावर m कैन बी रिटन एज m into log a। ओके तो ये माइनस 1 था, इधर आया माइनस 1 माइनस प्लस, तो अपना आंसर हो गया log √3 बन सकता है। तो आप लोग भी चेक कर लो आंसर, आप लोग मुझसे पहले कर रहे हैं कहीं कमेंट कर रहे हैं आंसर यही होता है सर ऑप्शन बी बोल के, सही है ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट मॉडल भी है, मॉडुलस फंक्शन का है ये। ओके तो आप लोग देखो जब भी मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहां पे देखो कि इसका ब्रेकिंग पॉइंट कौन पे होता है। ओके ब्रेकिंग पॉइंट का मीनिंग क्या बोलते हो, ये नंबर लाइन दे दिया तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होगा। ओके जब साइन एक्स फंक्शन था इसका ग्राफ भी आप लोग मालूम है, एक्स एक्सिस बोलो ये वाई एक्सिस है। ओके नंबर लाइन को भी इसे एक्स एक्सिस कंसीडर कर लो ये वाई एक्सिस है, तो यहां पे 0 था इधर पाई बाय 2 है, अब इधर कितना है माइनस पाई बाय 2, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा बोलते ऐसा बढ़ते रहेगा ऐसा, ये होगा साइन एक्स का ग्राफ, जहां पे भी 90 है तो 1। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं पे x एक्सिस होगा ये y एक्सिस है, यहां पे 0 होगा तो यहां पे पाई बाय 2 है। ओके यहां पे कितना होगा पाई होगा, यहां पे माइनस पाई बाय 2 है तो यहां पे क्या ले लेंगे सर पाई। ओके जब भी हम पे देख लो sin का ग्राफ क्या होगा बोले तो x एक्सिस कॉम पे टच करते हुए देखेंगे, sin कॉम पे 0 होगा 0 का नहीं होगा, sin पाई का नहीं 0 होता क्या, डेफिनेटली sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई 0, sin इधर देखो sin माइनस पाई 0 इधर ऐसा माइनस 2 पाई 0 माइनस 3 पाई 0 होते रहता है। बोलते यहां पे ग्राफ आप लोग चेक करते हो सर कहां पे जा रहा है बोलते 0 का नहीं, तो यहां पे अपना टारगेट क्या है लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 2 था अपर लिमिट पाई बाय 2, इसके बीच में कहां पे x एक्सिस टच कर रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट बोल के बोलते हैं सर। ओके तो इसके बीच में ब्रेकिंग पॉइंट 0 था, तो आप लोग ऐसा ले लो माइनस पाई बाय 2 टू 0, हां यहां पे देखो बिलो द एक्स एक्सिस है तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाता फंक्शन का नेगेटिव है, तो बिलो द एक्स एक्सिस था मैं लिख रहा हूं माइनस साइन एक्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सर। नेक्स्ट क्या करेंगे यहां पे प्लस लगा दो, इसके बाद अबव द एक्स एक्सिस है, अबव द एक्स एक्सिस है तो क्या हो रहा है सर यहां पे देखो अबव द एक्स एक्सिस था तो यहां पे 0 टू पाई के अंदर पॉजिटिव रहेगा, डेफिनेटली अबव द एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव हो गया, यहां पे कितना लिखेंगे ये फंक्शन मॉडुलस का वैल्यू हो गया था पॉजिटिव टोटल वैल्यू। ओके नेक्स्ट यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे माइनस बाजू को लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस एक्स माइनस पाई बाय 2 टू 0। ओके नेक्स्ट होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन फिर से माइनस, तो माइनस कॉस एक्स यहां पे आप लोग लिख सकते, इसे थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, नेक्स्ट यहां पे देखो 0 टू पाई बाय 2। ओके माइनस इधर माइनस ये हो गया प्लस, तो कॉस 0 माइनस कॉस माइनस पाई बाय 2 ले लो, नेक्स्ट क्या होता है सर बोलते हैं इसमें से प्लस लगा दो, इसके लिए माइनस प्लस और माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे देख लो cos π/2 - cos 0 हो रहा है। ओके तो नेक्स्ट क्या करेंगे सर होते इधर लिख दे रहा हूं, यहां पे cos 0 का वैल्यू कितना है 1 माइनस cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, लेकिन cos π/2 वो 0 हो गया, फिर से यहां पे माइनस cos π/2 0 माइनस और माइनस ये हो गया प्लस cos 1 cos 0 हो गया 1, तो 1 प्लस 1 आंसर कितना हो रहा है 2, बोलते ऑप्शन कौन सा था ये। ओके कई स्टूडेंट भी कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ही बल्कि वो सही है। चलिए यहाँ पे जो और एक जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे मैं, इसके ऊपर जो है एयरफोर्स नेवी के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला कैसा है बोलते इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स, जब भी रहेगा तो फॉर्मुला क्या कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई टू कर दो। ओके, तो हम भी क्वेश्चन ले लिया पे बोर्ड के ऊपर, तो ये प्रॉपर्टी अपन यूज कर सकते हैं। अपन देखता हूं मैं, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, लोअर लिमिट जीरो था, अपर लिमिट पाई बाई टू था, रूट कॉट एक्स बोलते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ है, रूट कॉट एक्स था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये भी क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स ही है, चेक कर लो, एफ ऑफ एक्स पे एफ ऑफ एक्स प्लस, ये क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स होना चाहिए, हो सकता क्या देखेंगे, एफ ऑफ ए बोले तो जीरो, बी बोले कितना था पाई बाई टू, ओके माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर भी सब्स्टिट्यूट कर लो, कट ऑफ एक्स ए पे लगा दूंगी, यहाँ पे जीरो प्लस पाई बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स होगा। नेक्स्ट काट जब भी है तो काट क्या हो जाता, पाई बाई टू माइनस एक्स बोले तो क्या हो जाएगा, तो चेक कर लो एक बार, क्या यही है रूट टेन एक्स जो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स बोल रहा हूँ मैं, सही है। तो इसके लिए तो है, अपन आंसर क्या लिख देंगे बोलते हो, अभी आंसर लिख रहा हूँ इसका, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोलते पाई बाई टू माइनस यहाँ पे क्या था लोअर लिमिट जीरो बाई टू, तो यहाँ पे टू इंटू टू क्या होगा फोर बोलते कितना हो रहा है पाई बाई फोर था अपना आंसर। ऐसे में कई क्वेश्चन देता हूँ आप लोग करो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो तुम्हारे को मैं बोला था क्वेश्चन देता हूँ बोलते ये क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू जो है इसके पे फॉर्मुला को रिलेटेड है, आप लोग इसका आंसर करो, आप लोग चेक कर लो कि आंसर क्या रहा है, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या, इसका आंसर तो मेरे ख्याल में पाई बाई फोर ही होने की चांसेस है, तो इसका आंसर क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो पाई बाई एट क्या आता है चेक कर लो अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स इनटू ई पावर एक्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो आप लोगों को क्वेश्चन जो है टफ लग रहे होंगे या सिंपल लग रहे होंगे, मैक्सिमम तो मैं ज्यादा टफ ले होकर नहीं लिया आज के क्लास में, कल के क्लास में मैं टफ लेवल ही लूंगा। ओके, क्यों बोलते, थोड़ा सा स्टेप बढ़ते जाएंगे, कई स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सही है, लेकिन एक फर्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे बोलते थोड़ा सा लेवल थोड़ा थोड़ा इतना बढ़ा जाएंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर और थोड़ा टफ लेवल पे लेके जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स इन टू ई पावर एक्स है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखते हैं आप लोग क्या करो सर बोलते हो, ये डेफिनेट इंटीग्रल का छोड़ दो आप लोग, ओके डेफिनेट इंटीग्रल का बात छोड़ दो, अभी चेक करो इंटीग्रेशन एक्स इन टू ई पावर एक्स था, मैं एक ट्रिक बोला था आप लोगों को, क्या ट्रिक बोला था मुझे बताओ, यहाँ पे देखो ये क्लोज कर दे रहा हूँ, ओके ये मुझे डेफिनेट में नहीं हो, मैं डेफिनेट इंटीग्रल में हूँ, सही है। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इन टू ई पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इन टू ई पावर एक्स डी एक्स क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, एक ई पावर एक्स बाजू को निकाल दो बल्कि बोला था ट्रिक के अंदर, निकाल दिया आप लोग, नेक्स्ट क्या कर लो पहले एक्स ले लो कैसा है वैसा, इसको और एक बार पल तो पहले माइनस ला के और एक बार डेरिवेटिव कर लो, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन, तो ये हो गया सर अपना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इन टू ई पावर एक्स, एक ई पावर एक्स इन टू एक्स माइनस वन हुआ था, हाँ लोअर लिमिट क्या था जीरो, अपर लिमिट कितना हो रहा है वन हो गया, अभी लिमिट अप्लाई कर दो, ई पावर वन वन माइनस वन माइनस ई पावर जीरो जीरो माइनस वन, चलिए वन माइनस वन हो गया जीरो, टोटल पर जीरो माइनस ई पावर जीरो कितना हो रहा है चेक कर लो आप लोग, ई पावर जीरो हो गया वन, नेक्स्ट इधर जीरो माइनस वन इज माइनस वन, माइनस वन माइनस प्लस वन, तो ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए और एक क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के मैं जितने भी क्वेश्चंस ले लिया चाहे वो सिंपल हो या टफ लेवल के हो, तो याद रख लो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जो है एयरफोर्स नेवी के अंदर पूछ रहा है, इसलिए मैं ऑब्जर्व करके क्वेश्चन जो है बोर्ड के ऊपर ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन के बारे में देख लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इंटीग्रेशन माइनस वन टू फोर एफ ऑफ एक्स डी एस का वैल्यू दे दिया अपनों को फोर, तो इज इक्वल इंटीग्रेशन टू टू फोर थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स डी एस का वैल्यू दे दिया यहाँ पे सेवन, ये दोनों की यूज कर लेके आप लोग क्या कर रहा है इसका आंसर फाइंड कर रहा है। ओके, तो ये दोनों यूज करने से पहले इसे यूज कर लो, पहले इंटीग्रेशन टू टू फोर था यहाँ पे थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स ओके डी एक्स इज इक्वल क्या होगा सर सेवन, तो आप लोग मालूम है इसे सेपरेट कर लो, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, तो आप लोग इधर यूज कर सकते हो, देखो इंटीग्रेशन टू टू फोर थ्री इंटू इधर डी एक्स माइनस इसे भी सेपरेट कर लो टू टू फोर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल क्या था स्टूडेंट्स सेवन था, ये वालों हो गया ना सेपरेट कैसे कर दिया। इसके बाद देख लो इसमें से थ्री आउटसाइड ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता था x, तो इधर x लगा लो, नेक्स्ट लोअर लिमिट था 2 अपर लिमिट था 4 माइनस ये ऐसे ही रखो इंटीग्रेशन 2 टू 4 f ऑफ x dx था इज इक्वल टू 7। इसके बाद यहां पे देखो, यहां पे देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लो 3 इनटू अपर लिमिट था 4 लोअर लिमिट था 2 4 माइनस 2, ये माइनस का पार्ट राइट हैंड साइड लेके जाओ प्लस 7 इधर लेके जाओ, तो माइनस 7 इज इक्वल टू यहां पे इंटीग्रेशन कितना हो रहा है 2 टू 4 यहाँ पे f of x into क्या बन सकता है dx, पहले इसका वैल्यू अपनों फाइंड करना है, तो ये पहले सामने लिख लो 2 to 4 f of x dx यहाँ पे देखो 4 minus 2 बन गया कितना 2, तो यहाँ पे 2 into 3 हो रहा है
टू इंटू इधर कितना हो रहा है, फोर माइनस टू बोलते ये पार्ट टोटल में राइट हैंड से ले लिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये पार्ट इधर लिख लिया, फोर माइनस टू क्या टू, टू इंटू थ्री माइनस सेवन, स्टूडेंट टू इंटू थ्री बोलता सिक्स माइनस सेवन कितना होगा मुझे तो माइनस वन आ गया इसके बाद। ओके इंटीग्रेशन टू टू फोर एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू मुझे आएगा इस रैप पे माइनस वन आया था। ओके इसके बाद आप लोग देखो थोड़ा सा ये पार्ट रफ कर देता हूँ, जरूरत नहीं वो जरूरत है अपना। नेक्स्ट टाइम पे देखो ये यूज करो इंटीग्रेशन क्या था यहाँ पे माइनस वन टू फोर एफ ऑफ एक्स डी एक्स था, मैं इसे कैसा लिख रहा हूँ देखो, एक प्रॉपर्टी बोला था इसमें से डेफिनेट में माइनस वन टू फोर के बीच में टू यूज कर रहा हूँ, मतलब माइनस वन टू टू एफ ऑफ एक्स यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्या है इसका कंटिन्यूशन टू टू फोर लिख दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके इसका वैल्यू क्या दिया आपके देख लो फोर लगा दो, इंटीग्रेशन माइनस वन टू टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसे रखो, लेकिन इसका वैल्यू क्या है चेक करो माइनस वन इधर माइनस वन लगा। ओके इसके बाद ये पार्ट जरूरत नहीं, जो जरूरत नहीं है वो रफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद देखो माइनस प्लस वन माइनस था माइनस वन इधर लेके प्लस वन होगा, इंटीग्रेशन माइनस वन टू टू एफ ऑफ एक्स, अभी भी आप लोग मालूम हो रहा होगा कि आंसर क्या आ रहा है, माइनस फाइव तो क्या होता है इधर फाइव हो जाता है, माइनस में होता है प्लस फोर प्लस वन फाइव। नेक्स्ट टाइम पे देखो अभी आंसर क्या जरूरत है, इंटीग्रेशन टू टू माइनस वन कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिया सर ये क्वेश्चन उन्होंने। ओके टू टू माइनस वन आप लोग यहाँ पे इधर है लेकिन माइनस वन टू टू यहाँ पे, तो मैं बोला था फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसमें से लिमिट चेंज कर लो, तो टू टू माइनस वन लगा दिया f of x हो गया dx, तो वैल्यू क्या हो जाता है नेगेटिव माइनस पर, तो अपना आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन सी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहाँ पे क्लास कंप्लीट हो जाता है, तो स्टूडेंट्स आप लोग देखो नेक्स्ट जो है अभी कल भी डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर ही चलेगा क्लास, तो इसके बाद जो ये चैप्टर टोटल इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग कौन सा चैप्टर जो है अच्छा लग रहा है जो नेक्स्ट में कंटिन्यू स्टार्ट करने के लिए आप लोग ही मुझे कमेंट करके बता दो, वो चैप्टर ज्यादा कमेंट किसके ऊपर आ रहे वही अपन स्टार्ट करेंगे, तुम्हारा मर्जी मेरा नहीं होता।